ये बात है साल 1942 की, जब दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की तानाशाही और बर्बरता से पूरा विश्व परेशान था। उधर भारत अपने ही अस्तित्व की लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत से लोहा ले रहा था। अंग्रेजों की महंगी गाड़ियों के सामने बैलगाड़ियों में घूमते भारत को एक उचित साधन की जरूरत थी, और ये सिर्फ साधन की लड़ाई नहीं, ये एक उचित सम्मान की भी बात थी। और इसी साल जन्म होता है हिंदुस्तान एम्बेसडर का, इंडियाज फर्स्ट कार, द स्टोरी ऑफ लेजेंडरी इंडियाज नेशनल कार। आज़ादी के बाद एम्बेसडर मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स की सबसे पहली पसंद बनी। इट वॉज अ सिंबल ऑफ पावर एंड लग्जरी।